हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट अ केस ऑफ राइनोप्लास्टी क्रूकड नोज. क्रूकड नोज दैट मीन्स डेविलिटेड नोज. जब नोज जो है हमारे चेहरे के सेंटर में नहीं होके एक तरफ डेविलिटेड होता है उसको क्रूकड नोज बोलते हैं, जिसको हम तिरछा नोज भी बोलते हैं, ट्विस्टेड टिप भी बोलते हैं. क्या इस नोज में प्रॉब्लम होती है हम देखते हैं. जैसे हमारा ये पेशेंट है, दिस पेशेंट बेसिकली कम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंडिया. अगर हम इनको नोज को देखते हैं तो यहाँ पे रखो आप बीच में. यस, सो दिस पेशेंट हैव ए थिन स्किन पेशेंट. जैसे यूजुअली जो अपने इंडियन पेशेंट्स की जो स्किन होती है वैसे बेसिकली स्किन नहीं है. दिस पेशेंट थिन स्किन पेशेंट है. एंड अगर इस नोज को देखते हैं, ये बीच में रखिए, अगर इस नोज को देखते हैं तो ये नोज क्या है, डेविलिटेड है वन साइड के अंदर, एक तरफ जा रहा है बेसिकली. एंड अगर आपको नोज को देखते हो तो ये ओवर वाइड नोज है, ब्रॉड नोज है. आइडियली नोज हमारा इसके बीच में रन करना होता है. एंड देन इफ़ यू कम डाउन लुक दैट, ये जो टिप है ये टिप पूरा क्या है, ट्विस्टेड टाइप में है. एंड एक तरफ क्या है, यहाँ पे डिप्रेशन है. सो द पेशेंट बेसिकली हैव द डिफॉर्मिटी इन द डोर्सम एंड द टिप बोथ. अगर हम इसके दूसरे व्यू में देखते हैं, ये स्माइलिंग व्यू है पेशेंट का. आइडियली देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये पूरा टिप होना चाहिए हमारे फेस के बीच में, बट हमारा टिप यूँ जा रहा है बेसिकली. सो पेशेंट व्हेन द स्माइल देन लिटिल बिट एसिमेट्री आल्सो ऑन सर. एंड अगर हम इसको दूसरे व्यू में देखते हैं, कम ऑन दिस साइड, इस व्यू में अगर हम देखते हैं तो आप इसमें देखो कि अगर दोनों तरफ के जो नोस्टिल है अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये नोस्टिल जो है नैरो है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ये डेविएटेड सेप्टम. ये जो नोज का सेप्टम होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ये डेविएटेड है. इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कॉडल सेप्टम डेविएशन बोलते हैं. सो इसके कारण हमारा जो ये नेजल वॉल्व है जिसको हमारे को ब्रीदिंग होती है वो एसिमेट्रिकल है दोनों तरफ और ये ब्लॉक्ड है. एंड लुक दैट, ये जो प्रोफाइल व्यू है, जो हमारा जो लेटरल व्यू है, इसमें देखो ये जो नोज है डोर्सम पे पूरा बम पा रखा है पेशेंट. एंड ये नोज टेंशनिंग है, ये जो नेजोलेबियल एंगल है वो बहुत ज़्यादा ऑब्ट्यूज हो रखा है इसके अंदर. सो ये बम्प जो है, इस बम्प के कारण ये नोज बिल्कुल जो है वो यहाँ पे देखो तो ये हमारा जो नेजोफ्रंटल एंगल का एरिया है वहाँ बहुत डिप्रेशन है. एंड यहाँ पे ये बिल्कुल ऑब्ट्यूज नोज जो है वो बाहर जा रहा है, टेंशनिंग नोज. एंड इसके खिंचाव के कारण ये लिप भी जो है वो ऊपर बेसिकली हो रहा है. एंड सेम अगर हम एक ऑब्लिक व्यू में देखते हैं तो इसमें सेम ये जो हम डिफॉर्मिटी है वो सेम डिफॉर्मिटी, ओवर वाइड नोज है, ये डेविएटेड है, टिप इधर डेविएटेड है, यहाँ डिप्रेशन है. और हम इस डेविएशन को अच्छे से देख सकते हैं. एक दूसरा व्यू और होता है, ये ऑब्लिक व्यू. इसमें आप देखिए ये नोज जो है, आइडियली ये हमारा नोज यूँ रहना चाहिए, बट ये नोज ये डेविएटेड, यूँ डेविएटेड है, तिरछा नोज है. सो अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी जो सर्जरी है इसमें इस नोज को हम स्ट्रेट करेंगे सेप्टोराइनोप्लास्टी से. ये जो टिप है ये डिप्रेशन इसको ठीक करेंगे, और ये जो टिप का ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को दोनों को बराबर करेंगे. सो दैट इज द सेप्टोराइनोप्लास्टी फॉर क्रूकड नोज करेक्शन. सो लाइक इफ़ यू हैव एनी डिफॉर्मिटी, लाइक हमारे आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये करेक्ट हो सकता है. हाँ, जहाँ पे अपन ठीक करा रहे हैं वहाँ पे क्या है वो पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए. इसको सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से, जैसे ये करीब 3 आवर्स की सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद में पेशेंट के नोज के ऊपर क्या है कि एक प्लास्टर लगाया जाएगा, और 2 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं. 10 डेज बाद वो अपना नॉर्मल रूटीन क्रियाकलाप, जो भी एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं. थैंक यू.